हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग का हमारे लाइफ में क्या रोल है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है और ये आज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको हिंदी बोलना आता तो ये बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी आप इसमें मास्टर है। लेकिन अगर आप ये एक स्किल सीख लेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, तो आपको लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और आप ग्लोबली बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका जो बेनिफिट है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड बेनिफिट है। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो दो चार घंटा लग जाएगा, बात समझ रहे हैं? दो चार घंटा लग जाएगा कि कितना बेनिफिट। तो इंग्लिश स्पीकिंग का अनलिमिटेड बेनिफिट है, बस आपको सीखना चाहिए क्योंकि ये कमाल का स्किल है। देखिए, आपको अपने लाइफ में दो स्किल जरूर सीखना चाहिए। सबसे पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल और दूसरा स्किल है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। ये दो स्किल हमारे लाइफ में बहुत मैटर करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो स्किल हर फील्ड में आपको चाहिए। आप कहीं जॉब करें या कोई बिजनेस करें या कोई स्टार्टअप करें या कहीं कुछ भी चीज कीजिए, कहीं कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जॉब कीजिए, कुछ भी करते हैं, आपको ये दो स्किल का जरूरत होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये दो स्किल अपने लाइफ में आप जरूर सीखिए। और इंग्लिश स्पीकिंग तो आज हमारे लिए नीड हो चुका है, जिस हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह भी जो है सर्वाइव करने के लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए हर चीज इंग्लिश में हो रहा, हर चीज आप देखिए ना, जो भी आप देख रहे हैं हर वो चीज, यानी सब चीज इंग्लिश में हो रहा। चाहे आपको एक स्मार्टफोन चलाना हो या एटीएम से पैसा निकालना हो या कोई भी चीज करेक्शन करना हो, बैंक से पैसा निकालना हो, कुछ भी चीज करना हो, तो आपको इंग्लिश का रिक्वायरमेंट वहां पर आएगा। आपको अच्छा जॉब चाहिए, जॉब में अच्छा पोस्ट चाहिए, तो आपको इंग्लिश अगर आएगा तो आपका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा होगा। आपको कहीं इंटरव्यू क्रैक करना है, उसके लिए भी इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो बेनिफिट है वो अनलिमिटेड है। ये दो स्किल आप अपने लाइफ में जरूर सीखिए। नंबर वन कम्युनिकेशन स्किल, नंबर टू है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। सवाल यहां पर ये आता कि सर, ये दोनों स्किल हम लोग कैसे सीखें? देखिए, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स है, कमाल का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारे ऐप्स हमें मिल जाएगा, प्ले स्टोर। हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं और हम लोग कोई भी स्किल को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। शर्त बस इतना है कि आपके अंदर डिजायर होना चाहिए, यानी सीखने का डिजायर होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि मुझे ये चीज को सीखना है। देखिए, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज देखिए, आदमी चांद पे पिकनिक जा रहा है, ये भी पहले इम्पॉसिबल था, लेकिन एक आदमी चला गया तो लगा जब वो जा सकता तो मैं भी जा सकता हूं। तो दोस्तों देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। बस अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने पोटेंशियल पर भरोसा रखिए, अपने कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखिए और बस अपने अंदर एक एटीट्यूड लाइए कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, मैं भी अंग्रेजी में बात कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, जो लोग इंग्लिश में बातें कर रहे हैं वो लोग भी एज ए ह्यूमन बींग, वो लोग भी ह्यूमन बींग है, यानी इंसान है। मैं भी इंग्लिश में बातें करता हूं, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान है, और जो लोग बातें कर रहे हैं लोग भी इंसान ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप कोई भी स्किल में मास्टर होना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, बात समझ रहे? तो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे पैशन के साथ, अगर आप काम करते हैं लगातार 6 महीना तक, आप गारंटीड उस चीज में एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा पूरे कंसिस्टेंसी के साथ। कोई भी चीज आप अगर सीखते हैं ना अपने लाइफ में तो वक्त तो लगेगा, यानी गुड थिंग्स टेक्स टाइम। जो अच्छी चीजें होते हैं वो वक्त लगता है, और ये दो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। क्योंकि आप अगर ये दो स्किल सीख लेंगे, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं और आपको लाइफ में कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि आप अपने लाइफ के जो है किंग बन जाएंगे। समझ रहे हैं? आपको जो मन करेगा आप वो कर पाएंगे, पूरा फ्रीडम रहेगा, किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहेंगे, तो आपको भी मजा आएगा। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना आता है तो मुझे अभी भी कोई भी चीज को लेकर के कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। किसी से बात करना हो या कुछ भी चीज मंगाना हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी से भी मैं आसानी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है और ये एक स्किल आपको जरूर से जरूर सीखना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है। YouTube जो कि कमाल का प्लेटफॉर्म है, जिससे आप घर बैठे कोई भी स्किल को सीख सकते हैं, कुकिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, और आपका इंग्लिश स्पीकिंग हो, ड्राइविंग हो, कोई भी चीज हो, आप घर बैठे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। बस आपके पास जो भी फ्री टाइम है उसको निकालिए और उस वक्त अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, हम लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर काम नहीं करते, सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हम लोग अपने ऊपर काम करना होगा क्योंकि जब तक हम लोग अपना वैल्यू नहीं बढ़ा
पाएंगे तब तक हम लोग कहीं प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल बना रही है बहुत मैटर करता है, यानी आपके आपका वैल्यू कितना है, आपका वैल्यू क्या है ये आप डिसाइड करेंगे, सामने वाला डिसाइड नहीं करेगा। एक बात बताइए, एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, किसी को 10,000 रुपये मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है, किसी को 50,000 मिलता है, किसी को 1,00,000 रुपये मिलता है, किसी को 2,00,000 रुपये मिलता है, जबकि सब कोई 8-8 घंटा काम करता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि वो लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन लोग का जो वैल्यू है सबका अलग अलग है। आपका वैल्यू अलग है, कोई काम कर उसका वैल्यू अलग है, कोई एचआर के पोस्ट में उसका वैल्यू अलग है, कि वो उतना डिजर्व करता है। बात समझ? तो आप अपना वैल्यू कितना बना रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप अपने आप को कितना काबिल बना रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, नए नए स्किल सीखते रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, स्किल अगर हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं तो उसका जो वैल्यू है अनलिमिटेड है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो काम जरूर आता है। तो हमें जो है नए नए स्किल सीखते रहना चाहिए, अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। बात समझे? कभी भी रुकना नहीं है, रुकना नहीं। देखिए, अगर हम लोग रुक जाएंगे ना कि मुझे तो सब पता है, तो हम लोग के अंदर ईगो आ जाएगा। बात समझ? अरे मुझे तो सब पता है, ऐसा नहीं है। सीखने के लिए बहुत कुछ है और जिंदगी बहुत छोटी है। बात समझ रहे? बहुत कुछ है। आपको ड्राइविंग नहीं आता है, आपको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, आपको बाइक चलाना नहीं आता, बहुत कुछ आपको नहीं आता होगा, तो आप सीखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे? अभी तो प्लेटफॉर्म हमारे पास है यूट्यूब, जो कि कमाल का प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी चीज को सीख सकते हैं। बात समझ रहे? तो देखिए, एक्सक्यूजेस देने से कुछ भी नहीं बदलेगा। लाइफ आपका है, चॉइस आपका है, डिसीजन आपका है, इट्स योर लाइफ। हम लोग जो भी वीडियोस बनाते हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वीडियोस बनाते हैं, बताते हैं, लेकिन जब तक आप अपने लाइफ में एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी चीज नहीं बदलने वाला। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो बिल्कुल भी मत घबराए, ऑनलाइन आप सीख सकते हैं घर बैठे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग जब भी नया वीडियोस बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।